हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कांच के बारे में, जो मानव निर्मित वस्तुओं में श्रृंखला इसकी दूसरी है। और इसके पहले हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो, प्लास्टिक बनने से पहले, जब तक इसका निर्माण नहीं हुआ था, कुछ नहीं पता था, उसके पहले मिट्टी और कांच ही ऐसे थे जिससे हम बर्तन बना सकते थे या उनको किसी आकार में हम ढाल सकते थे। प्लास्टिक आने के बाद से तो बहुत सारे आकार प्लास्टिक के बनने लगे, रंग रूप बहुत कुछ बना, लेकिन इसके पहले कांच ही था जिसको हम रंग बिरंगे रंगों में रंग भी सकते थे और विभिन्न संरचना दे सकते थे, और ये ज़्यादा टिकाऊ था। और प्राकृतिक रूप से भी कांच पाया जाता है, और साथ में कांच अब बनाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृतिक रूप के कांच की, तो सबसे पहला जो कांच बनता है प्राकृतिक रूप से, वह होता है मैग्मा। जो ज्वालामुखी के लावा जो निकलता है, वह बहुत तेजी से जब ठंडा होता है तो बन जाता है मैग्मा, और वह मैग्मा कांच के रूप में होता है। अच्छा, आपको पता है कांच ऐसे तो ठोस में दिखता है ना, लेकिन वास्तव में यह सुपर कूल्ड लिक्विड है। सुपर कूल्ड लिक्विड यानी अति शीतलित द्रव। अति शीतलित द्रव का मतलब होता है जब किसी द्रव को बहुत ही तेजी से ठंडा किया जाए और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद, या फिर उसका हिमांक जो है उस हिमांक पर आने के बाद भी वह ठोस में न बदले, तो उसे कहते हैं अति शीतलित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो अच्छा, लिक्विड की क्वालिटी क्या होती है पिघलने की? ना, ऊपर से अगर लिक्विड आप ऊपर रखो तो वो नीचे की तरफ पिघलता हुआ था। यही सेम कंडीशन होती है कांच की भी, इसीलिए इसे अति शीतलित द्रव कहा जाता है। इसके क्रिस्टल नहीं बनते, जैसे कि अगर आप कोई भी बॉटल देख लो, कोई भी बॉटल, तो उसमें देखना उसके जो नीचे का भाग होता है वह मोटा होता है, और नीचे किनारे का जो भाग होता है वह मोटा होता है, और बाकी ऊपर का भाग एक समान होता है। और यह काम कैसे हो सकता है? जब कोई चीज़ पिघल के नीचे आए तभी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए जो भी बॉटल वगैरह होती हैं, उन सब के जो नीचे का भाग होता है वह मोटा हो जाता है, नीचे किनारे की तरफ मोटा हो जाता है, और बीच में वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है। इसी वजह से होता है, क्योंकि वह अति शीतलित द्रव से बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो अब देखते हैं हम कांच बनता कैसे है। आज हम जानने वाले हैं इसमें कि इसके रॉ मटेरियल क्या है, कांच कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और कितने तरह के होते हैं कांच, और उसके साथ ही ढेर सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देखेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखो, कांच क्या होता है? मोस्टली सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, या फिर ये कहें कि सिलिका और धातुओं के सिलिकेट्स होते हैं कांच, इसी से बनता है कांच। सिलिका क्या होता है? बालू। जो बालू देखते हो ना, अगर हम कहें कि हम इसमें सिलिका डाल के बनाते हैं, तो इसका मतलब समझ लो कि हम ढेर सारा बालू डालते हैं। बालू का ही एक इंग्रेडिएंट है सिलिका, तो जिस बालू में सबसे ज्यादा सिलिका होता है उस बालू का यूज किया जाता है कांच को बनाने के लिए। पहली बार जब कांच बना था तो वो भी अचानक से ही बना था। बालू पर किसी ने, मतलब काफी लोग कहीं जा रहे थे, उन्होंने बालू, मतलब कहीं समुद्र के किनारे वे लोग रुके, वहां पर उन्होंने बालू पर अपनी भट्टी जलाई भोजन बनाने के लिए। पहले के लोग भी तो कहीं समूह में यात्रा करते थे ना, तो भोजन भी बहुत सारा बनाना था, तो उन्होंने बड़ी सी भट्टी जलाई और उसमें भोजन बनाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि जब भोजन बन रहा था तो उसमें से कुछ लिक्विड सा बहता हुआ जा रहा था, जो बहुत ही चमकदार था। उन्होंने बाद में वह ठोस हो गया, तो उन्होंने देखा, और उसी वही था सिलिका जिससे कि कांच बना हुआ था। तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तब जाकर यह सिलिका मेल्ट हो पाता है और द्रव में बदलता है, और फिर इससे हम अलग अलग आकार दे सकते हैं। इसमें हम सोडियम सिलिकेट का यूज करते हैं। देखो, टेम्परेचर सिलिका को बहुत ज़्यादा चाहिए मेल्ट होने के लिए, बहुत ज़्यादा। अगर हम कहें तो 1700 डिग्री सेल्सियस, अगर इतना टेम्परेचर अगर सिलिका को चाहिए, तो अगर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला दें, कुछ अशुद्धियाँ मिला दें, तो वह कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि शुद्ध पानी जो है, अगर उसे हम बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होगा, लेकिन अगर उसी पानी में अगर हम चावल मिला देते हैं तो उसे कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। तो ठीक, ऐसे ही कोई भी इम्प्योरिटीज अगर हम कहीं मिला देते हैं, तो वह चीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह कम हो जाता है। तो इसीलिए जो सिलिका है
उसमें सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। सोडियम सिलिकेट का मतलब होता है, इसमें हमें ज़रूरत होती है सोडियम ऑक्साइड की। सोडियम सिलिकेट हम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है सोडियम ऑक्साइड की। सोडियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, सोडा, ठीक है। तो सोडियम सिलिकेट मिला लेते हैं किस लिए, इसको मतलब इसमें अशुद्धि आ जाए और इसका टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर या मेल्ट हो सके, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम सिलिकेट या सोडियम ऑक्साइड या सोडा क्यों मिलाते हैं, तो तीनों चीज़ें एक ही हैं समझो, और इनको मिलाने का इसलिए मिलाते हैं ताकि टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर या मेल्ट हो सके। दूसरा इसे मिलाते हैं कैल्शियम सिलिकेट, ये साधारण जो कांच होता है उसके बारे में बता रही हूँ। दूसरा मिलाते हैं कैल्शियम सिलिकेट। अब कैल्शियम सिलिकेट क्यों मिलाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, लाइम। तो यह हुआ सोडा और यह हुआ लाइम, ठीक है। तो इसको मिलाते हैं इसलिए ताकि यह आसानी से एक साथ मेल्ट हो सके, ठीक है, और इसको क्रैक ना हो या टूटे नहीं, इसलिए इसमें मिलाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस तरह से सिलिका, सोडा और लाइम, इन तीनों को मिला के बनाया जाता है कांच। कांच की प्रकृति क्या होती है, अब भाई इसमें मिला हुआ है क्या, बालू, ठीक, सोडा और लाइम, तो सोडा लाइम सिलिकेट, सोडा लाइम सिलिका। अब इसको प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो जाएंगी, यह नॉन क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल नहीं बनते हैं इसके। दूसरा एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का मतलब वही है कि जिसके जो परमाणु हैं और अणु हैं उनके बीच की जो दूरी है ना, वह एक समान नहीं है और इनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा मिश्रण है, और लेकिन वो मिश्रण कैसा है, समांगी है। इसमें जैसे कि सिलिका है या फिर सोडा है, ये सब चीज़ें दिखाई तो नहीं देती ना, तो इसलिए क्या है, समांगी मिश्रण है। बहुत जल्दी टूटता है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना दिल की तरह टूटता है, शीशा हो या दिल, तो बस ये दिल की तरह टूट जाता है क्षण भर में, इसलिए क्या है, भंगुर है। और साथ ही यह है उष्मा का कुचालक, बहुत सारे जो हम बल्ब यूज करते हैं उसे बाहर शीशा लगा होता है, अगर ये सुचालक होता तो क्या लगता कभी वहाँ पे शीशा, नहीं लगता ना, तो इसलिए क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। और चूंकि इसमें अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं इसको बनाने के लिए, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। कई बार हमें कुछ अलग बनाना होता है शीशे को, तो हम ज़्यादा टेम्परेचर बहुत जल्दी देते हैं, और कई बार हम धीरे धीरे उसको टेम्परेचर देते हैं और ज़्यादा टाइम तक देते हैं, मतलब कभी टाइम इंक्रीज कर देते हैं और टेम्परेचर कम रखते हैं, कभी टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और टाइम कम देते हैं, तो उस तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग हो जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया, आगे बढ़े इसके बारे में। तो देखो अब कैसे बनता है यह कांच, सबसे पहले बालू मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे और कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएंगे, क्योंकि इसी से हमें मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट से हमें सोडा मिल जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट से हमें लाइम मिल जाएगा, ठीक है, और सैंड से हमें सिलिका मिल जाएगा। तो इन तीनों को मिलाकर और जब हम मेल्ट करते हैं, तो जैसे देखो इसका टेम्परेचर अगर 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर सिलिका मेल्ट करता है, तो जैसे ही सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं तो यह 1425 या फिर इससे भी कम टेम्परेचर पे, जैसे उससे भी कम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। दूसरी कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए मिलाते हैं ताकि उसमें वाटर रेजिस्टेंट हो जाए, ठीक, और मतलब जल में अविलेय हो जाए और साथ ही क्या हो, मजबूती आ जाए इसमें और एक साथ जुड़ सके, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते थे। अब हम जान लेते हैं कांच के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस आधार पे हमने जब कांच को बनाया, तो सबसे पहले जो भी चीज़ बनती है वो रॉ होती है। सबसे पहले कैसे चीज़ें बनती हैं, सबसे सिंपल चीज़ें सबसे पहले बनती है ना, बाद में हम उसमें कुछ और बेहतर क्वालिटीज ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो कांच बना था वह था सोडा कांच। सोडा कांच का मतलब क्या है, सोडा मिला हुआ है, ठीक है, सोडा मिला हुआ है, लाइम मिला हुआ है और क्या है, सिलिका है, तो इसलिए इसे सोडा लाइम ग्लास भी कहते हैं। नाम याद रखना, नाम ही पूछता है मोस्टली, क्वेश्चंस में नाम पूछता है और अलग अलग तरीके से, तो इसमें क्या होता है, सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास की खास बात क्या है, वो सबसे सॉफ्ट होता है, जितने भी बल्ब बने होते हैं ना, बल्ब वो इसी से बनते हैं। जो घर के बर्तन हैं, फिल्मों में देखा होगा, जो लोग गुस्सा होते हैं तो उठा के बर्तन फेंक देते हैं, शीशे वाले बर्तन फेंकते हैं और वो टूट जाता है,
और उस पे जब चलते हैं फिर उनके पैरों में कांच चुभ चुभ जाते हैं, और फिर कोई आता है उनको बचाने के लिए। तो ये सोडा लाइम ग्लास ही होता है जो ऐसे जिसमें वो नाटक दिखाते हैं अपना, ठीक है। तो जितने भी बॉटल्स बनते हैं दवा वगैरह जो आपके घर पे आती है ना, जो बॉटल वाली, वो सभी इसी की बनते हैं। जितनी भी बॉटल्स बन रही हैं वे सभी सोडा लाइम की ही बनती हैं। बिजली के बल्ब बनते हैं, खिड़कियों के जिस शीशे होते हैं जिसे फिल्मों में देखा, वो मार के मुक्का मार के तोड़ देते हैं, वह इसी का बना होता है। या फिर बॉल, बच्चा बॉल फेंकता है शीशा टूट जाता है, वो दरवाजे वाला शीशा थोड़ा टूटेगा, कौन सा शीशा टूटेगा, जो जो कमजोर होगा। और कमजोर शीशे कहाँ लगते हैं, यही खिड़कियों पे लगते हैं, इसीलिए खिड़कियों के जो शीशे होते हैं आसानी से टूट जाते हैं। फिर कांच की जो नलियां बनी होती हैं वे भी इसी की बनी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया ये किससे बना हुआ है, सोडा लाइम है तो किससे बना होगा, सोडा से, सोडियम ऑक्साइड से, और लाइम है तो कैल्शियम ऑक्साइड से। और इस न टूटे इसमें थोड़ी सी मजबूती भी आ जाए इसलिए इसमें मिलाया जाता था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मोस्टली 99% तक जो हमारे यहाँ कांच यूज होता है, जनरल जो कांच यूज होता है वह सोडा लाइम कांच ही होता है जो घरों पे यूज होता है हर जगह। दूसरा है क्रुक्स ग्लास। क्रुक्स ग्लास वे ग्लासेज हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसका यूज होता है धूप के जो चश्मे बनते हैं उसमें, क्योंकि इसमें डाला जाता है सेरियम ऑक्साइड। अब देखो मैंने कहा था नहीं, यह मिश्रण है, अलग अलग काम के लिए हम इसमें अलग अलग तत्वों को या पदार्थों को डाल देते हैं। तो जैसे इसी कांच में अगर हम सीरियम ऑक्साइड को बाद में मिला देते हैं तो ये क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, आर पार नहीं जाने दे रहा। तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो आंखों को या अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच जो होती है उसे धूप के चश्मे बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है क्रुक्स कांच में का क्या यूज है, या फिर धूप के चश्मे में कौन सा कांच होता है। आगे देखो अगला है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास को कहते हैं पोटास लेड ग्लास, या फिर लेड ग्लास, या फिर लेड क्रिस्टल, इन सब कुछ कहते हैं इसको फ्लिंट ग्लास को। क्योंकि जो क्रिस्टल होते हैं ना, जो हम गले में पहनते हैं क्रिस्टल, छोटे छोटे ये वाले क्रिस्टल है, तो एक क्रिस्टल इसी फ्लिंट ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली कोई कलर नहीं होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है, एकदम साफ, और सबसे खूबसूरत जो दिखने वाला कांच है, आर पार दिखने वाला कांच यही है। इसे हम ऑप्टिकल ग्लास भी कहते हैं, प्रकाशीय कांच। प्रकाशीय कांच दो तरह के होते हैं, उसमें एक तरह यही है फ्लिंट ग्लास। जो लेंस बने होते हैं ना, वे लेंस भी इसी कांच के बने होते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप का जो लेंस होता है वह इसका बना होता है, या जो प्रिज्म है ना, वह प्रिज्म भी इसी का बना होता है, किसका, फ्लिंट ग्लास का, ठीक है। इसमें होता क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट होता है, लेड ऑक्साइड होता है और सिलिका होता है। लेड की वजह से इसमें ज़्यादा मजबूती आ जाती है, इसीलिए यह कांच क्या है, ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा मजबूत होता है प्रिज्म में। अगर और साथ ही साथ जो इसके मतलब इसमें हम डिजाइंस बना सकते हैं, तो जो भी ऐसे ग्लासवेयर देखते होगे जिसमें बहुत सारी डिजाइंस बनी होती हैं, या सजावटी सामान जो देखते हो जिसमें डिजाइंस बनी होती हैं, वे सभी इसके बने होते हैं। लेकिन इसमें कलर का यूज नहीं किया जाता है, कोई भी कलर इसमें यूज नहीं किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया ना, जो भी क्वेश्चन इससे बनेंगे यहीं से बनेंगे। अब आगे देखो अगला है पाइरेक्स कांच। पाइरेक्स कांच थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। सबसे कमजोर सोडा कांच, उससे मजबूत फ्लिंट कांच, उससे भी ज्यादा मजबूत है पाइरेक्स कांच। क्रुक्स कांच का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसका यूज कहाँ पे हो रहा है, धूप के चश्मे बनाने में, और उसका एक स्पेशल यूज है कि अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। पाइरेक्स कांच की बात करें अगर, तो पाइरेक्स तो एज ए ब्रांड है, एक कंपनी है पाइरेक्स, ठीक है। और इस कंपनी का जो भी कांच है, इसी वजह से सबसे पहले जो ये था, तो इसीलिए इसको पाइरेक्स कांच कहा जाता है। रियल में इसका जो नाम है वह है बोरोसिलिकेट, क्योंकि इसमें मिला होता है बोरान सिलिकेट, ठीक है। तो पाइरेक्स कांच जो होता है, यह जो भी लेबोरेटरी की चीज़ें होती हैं, जो भी मतलब जो थोड़ी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट हो, वे सभी चीज़ें बनती हैं पाइरेक्स कांच की, बोरोसिलिकेट की। अब इसमें क्या होता है, खास बात क्या है कि यह कांच जो है ना, केमिकल से रिएक्शन नहीं करता, तो केमिकल रेजिस्टेंस होता है और हीट रेजिस्टेंट होता है, ज़्यादा मजबूत, बहुत मजबूत भी ज़्यादा होता है, और चटकता नहीं है जल्दी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से पटक दो तो टूटेगा नहीं, टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हल्की सी मतलब
टेम्परेचर इंक्रीज किया अचानक आपने और ब्लास्ट कर दिया। जैसे कि देखा होगा केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब जब आप बर्न कर रहे होते हो कुछ और टेस्ट ट्यूब में, तो जैसे टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हुआ वो ब्लास्ट कर जाता है, टूट जाता है। लेकिन अगर आप बीकर की बात करो तो बीकर में वही आपने कुछ काफी गर्म भी रखा है तो वह नहीं मतलब टूटता नहीं है जल्दी, ठीक। तो ये ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं लेबोरेटरीज में। अगला देखो एम्यूनोसिलिकेट। एम्यूनोसिलिकेट जो भी चीजें ऐसी हैं काफी ज्यादा टच डिस्प्ले वाली जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर इसका यूज होता है, जैसे टीवी में, टेलीविजन में, स्मार्टफोन के स्क्रीन में, थर्मामीटर जो बना होता है उसमें, ठीक है, और कम्बस्टन ट्यूब में, क्योंकि यह ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है। तो इसलिए जो चीज़ें जैसे प्रैक्टिकल के लिए जब हमें कोई चीज़ अचानक मतलब ड्राई फॉर्म में ही किसी चीज़ को जलाना होता है हमें, तो उसे रखने के लिए मतलब कोई अगर हम मेटल ले रहे हैं या कुछ भी अगर हमें उसे जलाना है, बर्न करना है अचानक, तो उसके लिए हम एल्यूमिनोसिलिकेट का यूज करते हैं। यह काफ़ी हार्ड होता है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है। अगला होता है फ्यूज्ड क्वार्टर, सबसे ज़्यादा कॉस्टली, और इसे बनाना सबसे कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि इसे बनाना बहुत मुश्किल है। यह प्योर सिल्का होता है, प्योर सिल्का, ठीक है। अभी तक जो कुछ था उसमें क्या है, कुछ ना कुछ धातुएं हमने मिलाई तब जाके उसे बनाया, लेकिन यह प्योर सिल्का होता है, इसी वजह से यह काफी कॉस्टली होता है। अब सोचो प्योर जब सिल्का है तो इम्प्योरिटीज क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें कम करना है। अगर प्योर सिल्का है तो इसका मतलब है कि क्या उसकी मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत हाई होगी ना, 1700 डिग्री सेल्सियस, तो उतने टेम्परेचर पर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो वो काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। हाईली ट्रांसपेरेंट होता है बहुत, और सबसे ज़्यादा मजबूत भी यही होता है, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड लाइट जो है उनको क्या करता है, उनसे भी ये रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और ना तो इस पे वीदर का इफेक्ट होता है, ना किसी शॉक का इफेक्ट होता है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं एरोस्पेस एप्लीकेशंस में, जो एरोस्पेस के लिए हम जो भी कुछ उसमें जो बनाते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं, उसकी जो खिड़कियाँ वगैरह बनाते हैं उसमें, स्पेस क्राफ्ट में, ठीक। अब देख लो एक बार एक जगह पे सब कुछ टाइप ऑफ ग्लासेस, अब एक जगह पे देखोगे तो आप इजिली समझ जाओगे किसमें क्या अंतर है। सबसे पहले सोडा ग्लास, सोडा ग्लास को क्या क्या कहते हैं जानो, सबसे ज़्यादा यूज यही होता है 99% तक जिसका हम यूज करते हैं घरों में। सोडा ग्लास का यूज क्या है, सोडा लाइम ग्लास भी इसको कहते हैं, इसको बॉटल ग्लास कहते हैं, विंडो ग्लास कहते हैं, सॉफ्ट ग्लास कहते हैं, या टेबल वेयर ग्लास कहते हैं, ठीक। सब कुछ इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसे बॉटल बनते हैं, इसे खिड़की के शीशे बनते हैं, सबसे सॉफ्ट ग्लास है, सब कुछ सारे बर्तन इससे बनते हैं, टेबल वेयर मतलब खाने पीने के समय जो टेबल पे जितने सारे बर्तन हैं, मतलब बस ये नहीं जो जिसमें कोई चीज़ हम बॉयल करें, ठीक है, जो हम गैस पर रखें, आंच पे रखें, उसे छोड़कर सारे बर्तन इससे बन सकते हैं, सारी चीज़ें इससे बनती हैं घरों की, ठीक है। दूसरा है ऑप्टिकल ग्लास यानी प्रकाशीय कांच। ऑप्टिकल ग्लास दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्लिंट ग्लास, दूसरा होता है क्राउन ग्लास। फ्लिंट ग्लास क्या होता है, इसमें लेड ऑक्साइड मिला होता है, क्राउन ग्लास में बैरियम ऑक्साइड। ये नाम याद करना है, बस यही दोनों चीज़ों का अंतर है। फ्लिंट ग्लास जो कॉन्केव लेंस होते हैं उसमें यूज किया जाता है फ्लिंट ग्लास का, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उसमें यूज किया जाता है क्राउन ग्लास का, ठीक। आ गया समझ में इसके सबसे ज्यादा मतलब जो अंतर क्या है, इसमें फ्लिंट ग्लास में लेड ऑक्साइड है, क्राउन ग्लास में बैरियम ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड की वजह से ज्यादा चमकदार होता है, जो फ्लिंट ग्लास है ना वह बैरियम ऑक्साइड से ज्यादा चमकदार होता है। अच्छा यूज भी देख लो, कॉन्केव लेंस इसमें लगा हुआ है, ठीक है, और कहाँ गया ये, क्या हो रहा है इसमें, ठीक है।
ग्लास, इसमें फ्लिंट ग्लास की खास बात क्या है, कॉनकेव लेंस है, और क्राउन की क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब फ्लिंट ग्लास का यूज कहाँ होता है, जो भी दूरबीन है दूरबीन में फ्लिंट ग्लास का यूज होता है, क्राउन ग्लास का जो माइक्रोस्कोप है ना माइक्रोस्कोप में यूज होता है इसका क्राउन ग्लास का। अगला देखो पाइरेक्स ग्लास, पाइरेक्स ग्लास का यूज बोरोसिलिकेट भी इसको कहते हैं और हीट रेजिस्टेंट होता है, तो कहाँ पे यूज हो रहा है इसका, लेबोरेटरी में। अगला है क्रूक ग्लास, क्रूक ग्लास में क्या है, सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, तो क्रूक ग्लास का यूज कहाँ पे होता है, सन ग्लासेज बनाने में। अगला है फ्यूज्ड क्वार्टज, फ्यूज्ड क्वार्टज में सिलिका होता है सिर्फ, और इसका स्पेस क्राफ्ट की जो विंडो होती है उसको बनाने में यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास, एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास की जो सर्विस टेम्परेचर है वह क्या, मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर इसे दे सकते हो जब आप कोई काम कर रहे हो, तो इसे हम 650 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर दे सकते हैं। कितना टेम्परेचर पे नहीं टूटता है, 650 डिग्री सेल्सियस पे नहीं टूटेगा। अगला है व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फ्यूज्ड क्वार्टर, फ्यूज्ड क्वार्टर्स की मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, तो देखो इसकी जो मेल्टिंग टेम्परेचर होती है ना 1723 डिग्री सेल्सियस होती है, इतने पे मेल्ट करता है। इसीलिए इसमें क्या मिला देते हैं, जब हम कोई इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, कुछ धातु के सिलिकेट मिला देते हैं, तो यह कम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। अगला देखो व्हाट इज द मैक्सिमम यूजेबल टेम्परेचर ऑफ सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास की वैसे तो 860 डिग्री फॉरेनहाइट है इसका। आगे देखते हैं व्हाट इज द क्राउन टाइप ऑफ ग्लासेस, तो क्राउन, क्राउन का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल ग्रेड का है, ठीक है, प्रकाशीय है, इससे क्या बनते हैं, लेंस बनते हैं, और क्या बनता है, माइक्रोस्कोप बनता है। अगला है व्हाट आर द लेड ग्लासेज यूज्ड फॉर, लेड ग्लास का यूज कहाँ पे होता है, तो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स जितने भी हैं वहां पर यूज करते हैं लेड ग्लासेज का। अगला क्वेश्चन देखो व्हिच टाइप ऑफ ग्लासेज रिगार्डेड एज द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट, सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंट कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखो फ्यूज सिल्का, तो फ्यूज सिल्का सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है, ये सही है। अगला है व्हाट इज द 96% सिल्का ग्लास यूज्ड फॉर, 96% सिल्का ग्लास का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका हम यूज करते हैं हीट शील्ड में, जो भी हीट शील्ड बनाई जाती है उसमें वहां पर इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन द टाइप ऑफ ग्लास यूज इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म, लेंस और प्रिज्म बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, फ्लिंट ग्लास का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, ग्लास की प्रॉपर्टी क्या नहीं है, ग्लास कैन टेक अप ए हाई पॉलिश, सही है, मतलब है इसकी प्रॉपर्टी, ग्लास कैन एब्जॉर्ब एंड रिफ्रैक्ट लाइट, सही है, ग्लास हैज ए डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्रूक्स कांच के बारे में हमने बताया था क्या, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फ्लिंट कांच है ना वह रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, रिफ्रैक्ट करता है, फ्लिंट भी करता है और साथ में क्राउन भी करता है, क्राउन और फ्लिंट जो ग्लास हैं वे लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन सोडा लाइम ग्लास इज मिक्सचर ऑफ सोडा, सोडा किससे बना होता है, सोडियम सिलिकेट, लाइम कैल्शियम सिलिकेट, तो जहां पर ये ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन सोडा लाइम ग्लास इज आल्सो नोन एज, इतना सारा नाम है, जितना ज्यादा इसका यूज उतना ज्यादा इसका नाम, यहाँ पर इसका नाम क्या है, सॉफ्ट ग्लास, ठीक है, तो सोडा लाइम ग्लास को क्या कहते हैं, सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास इज आल्सो नोन एज हार्ड ग्लास, हार्ड ग्लास किसे कहते हैं, तो जहां भी लेड मिला दिया जाए, ठीक है, जहां भी लेड मिला दिया जाए उसे हार्ड ग्लास कहेंगे, और लेड किस में मिलाया जाता है, फ्लिंट कांच में, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लिंट कांच होता है उसे क्या कहते हैं, हार्ड ग्लास, तो यहाँ पर लेड कहाँ मिला गया है, पोटास लेड ग्लास, और पोटास लेड ग्लास जो होता है उसे ही फ्लिंट कांच भी कहते हैं। अगला देखो पोटास लेड ग्लास आल्सो नोन एज फ्लिंट कांच, ठीक, आगे बढ़ते हैं, पोटास लाइम ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ लाइम है, तो लाइम का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम सिलिकेट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हमें उसमें से जरूरत किसकी होती है, सिलिकेट की, और पोटास मतलब पोटेशियम सिलिकेट, तो जहां पर ये होगा वहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सिलिकेट एंड पोटेशियम सिलिकेट, ठीक। अगला देखो कॉमन ग्लास इज आल्सो नोन एज, कॉमन ग्लास किसे कहते हैं, बॉटल ग्लास को कॉमन ग्लास कहते हैं, इसे सोडा लाइम ग्लास भी कहते हैं, इसे सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं, इसे बॉटल ग्लास भी कहते हैं, बॉटल ग्लास कहते हैं, इसे
टेबल वेयर ग्लास भी करते हैं, ठीक, ये सब करते हैं इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इतना ही हमें जानना था इसमें, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इतने में से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इसको समझ लेना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।